नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंटल एग्जाम 2022 के बारे में, जिसका अभी अभी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है बोर्ड के तरफ से। अभी मजा आएगा ना वीडियो। क्लास 10 और क्लास 12 का दोनों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, तो कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाले हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। बताएंगे कि आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। तो चलिए, कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है जिसका एग्जाम 23 अगस्त से शुरू किया जाएगा, इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी सीबीएसई बोर्ड से कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे तो हो या क्लास 12 का दोनों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया, तो कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है इसी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ देख सकते हैं आज तक न्यूज का ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं। ये ट्वीट का अभी अभी जानकारी दे, जो कि एक घंटा हो गया है, देख सकते हैं। कम सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, और भी बहुत से न्यूज पेपर हम जो साइड में दिखला रहे हैं इस पर जानकारी दिया गया था, ठीक है। फिर तो चलिए, कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है इसके बारे में आपको बता देते हैं। लेकिन अभी अभी ट्विटर हैंडल पर न्यूज पेपर कटिंग में सारा जानकारी आने लगा, बहुत से न्यूज पेपर में, बहुत से सोशल मीडिया पर इसका जानकारी दिया गया। देख मोबाइल या कंप्यूटर पर आगे क्या करना, गूगल सर्च करना है, देख सकते cbse.gov.in। जैसे सर्च करेंगे तो इस वाले साइट पर चले आएंगे, ठीक है। इसका डायरेक्ट लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस वाले डायरेक्ट लिंक पर चलेंगे। इस वाले डायरेक्ट लिंक पर आने के बाद यहाँ देख सकते हैं तो सीबीएसई बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ चले आएंगे। देख सकते हैं इस वाले साइट पर आने के बाद आपको जो दिखलाया जा रहा परीक्षा संगम का, इस पर आपको क्लिक कर देंगे। जैसे परीक्षा संगम पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के इंटरफेस ओपन होगा, जिससे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह देख सकते परीक्षा संगम का ऑप्शन आएगा। तो हम आपको बता दें कि एडमिट कार्ड जारी हो गया, लेकिन आप सभी स्टूडेंट डाउनलोड नहीं कर सकते। आपके मन में सवाल होगा क्यों, क्योंकि आपको स्कूल के पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, जो कि वही लोग लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके जो टीचर होंगे, आपके शिक्षक होंगे, वही लोग डालते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड, और सभी स्टूडेंट का वही लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। तो आपको यहाँ अपने स्कूल या अपने स्कूल में जाना है और आपको एडमिट कार्ड ले लेना, ठीक है ना। यानी सभी स्टूडेंट ये एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना है। देख सकते हैं न्यूज़पेपर में भी दिया गया है और इस पर दिया गया है। आप लोगों को पता भी होगा कि आपको खुद से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड, आपको टीचर ही डाउनलोड करते हैं, जो कि स्कूल के पास इसका यूजर आई डी पासवर्ड होता है। वीडियो डिस्क्रिप्शन हम डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको यूजर आई डी का, वहाँ पर डालकर आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास कहीं से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी लोगों को मालूम चल सके। अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन करना है हमसे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।